हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता देती हूँ जो भी अपडेटेड और जो भी न्यू वाला व्हाट्सअप है उस पर हम वीडियो एज अ स्टेटस कैसे रख सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि ये तो हमें मालूम है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ जो भी आप करते हो वो वाले वीडियो GIF वीडियोज़ होते हैं जो आपने खुद ने रिकॉर्ड किए होते हैं और किसी और ने आपको व्हाट्सअप पर सेंड। लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ यूट्यूब वाले वीडियो के। तो मैं एक आपको बात बता दें, अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप पर एज अ स्टेटस रखना है, मतलब कोई इमेज हो या कोई भी वीडियो हो, उसे अपने गैलरी में होना ज़रूरी है। तो आज मैं बता देती हूँ कि YouTube वाले वीडियो हम गैलरी में कैसे ला सकते हैं। तो पहले ये बहुत ही सिंपल और आसान है। पहले आपको क्या करना है, आपका जो भी YouTube है उसे ओपन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो भी सॉन्ग या कोई भी YouTube की वीडियो चाहे उसे आपको पहला ओपन करना है। तो मैंने इधर ये वाला वीडियो लिया है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप कौन सा भी वीडियो कर सकते हो, वो हो जाएगा। तो उसके बाद ये वीडियो ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, जो भी इस वीडियो का इधर आपको जो एरो दिख रहा है उस एरो पर क्लिक करके नीचे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, ओपन विथ व्हाट्सएप, जीमेल, फेसबुक। तो आपको सिर्फ क्या करना है, कॉपी लिंक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, बैक जाके फिर अपने मोबाइल का जो भी क्रोम है उसे ओपन करके इधर ऊपर आप नाम डालेंगे सेव फ्रॉम डॉट नेट करेंगे और नीचे आपको एक बॉक्स दिख रहा है, एंटर दो। सिर्फ उधर आपको क्लिक करके जो भी हमने URL कॉपी किया था उसे हमें पेस्ट करना है। फिर इसके बाद आपको इधर ऑप्शन दिख जाएगा डाउनलोड, मेरा पहले से दिख रहा था क्योंकि मैंने बहुत बार ही उसे किया हुआ। तो आपको इसे डाउनलोड करना है, तो आप इधर देख सकते हैं कि वो डाउनलोड हो रहा है। तो इधर देख सकते हो डाउनलोड, अब आप देखेंगे कि इधर वो डाउनलोड हो रहा है। तो अब डाउनलोड होने के बाद आप क्या करेंगे, अब वीडियो डाउनलोड होने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी गैलरी है उसमें जाएंगे और उसमें जो भी डाउनलोड का हमारा एल्बम उसे हम ओपन करेंगे। तो आप इधर देख सकते हैं कि ये वीडियो आया हुआ है। तो अब सिर्फ मैं इस वीडियो पर क्लिक करूँगी, शेयर विथ व्हाट्सएप करूँगी और मेरा स्टेटस है उसे मैं अपलोड कर दूँगी। तो ये बहुत ही ईजी और आसान है, तो आप इसे डायरेक्टली कर सकते हैं। तो अपलोड होने के लिए कुछ 2-3 मिनट उसे लगेंगे क्योंकि वो वीडियोस होते हैं वो बड़े होते हैं, इसलिए वो 2-3 मिनट ले जाएंगे। तो आप अंदर भी देख सकते हैं व्हाट्सएप ओपन करके कि इधर 2-3 मिनट उसके लग जाएंगे वो अपडेट जो अपलोड होने के लिए उसे 2-3 मिनट लग जाएंगे। तो इधर आप देख रहे हैं हो रहा है, तो 2-3 मिनट लग जाएंगे। तो आप देख सकते हो अपलोड हुआ। तो इसी तरह आप अपनी जो भी फेवरेट वीडियो होगी उसे आप अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।